जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम रसमलाई बनाएंगे ठाकुर जी के लिए, जो कि जन्माष्टमी में भोग लगाएंगे। एक तरफ हमने गाय के दूध को फाड़ दिया, यानी छेना उसका बना लिया है, और एक साइड में हमने रबड़ी बनाने के लिए थोड़ा दूध रख दिया। इस तरीके से अब दूध को जो हमने फाड़ रखा था उसको हमने ड्रेन कर लेना है। मेरा मन हो रहा था कि आप सभी के साथ रसमलाई में शेयर करो, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बने थे। कुछ चीज़ें अपने हाथों से बनाकर जरूर घर में ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। इस तरीके से पनीर निकाल के हमने एक पत्थर से डाल दिया। तेल भगोने में हमने एक गिलास पानी और आधा गिलास चीनी डाल दिया और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। एक तरफ हमारी जो रबड़ी थी वो भी हो रही थी। अभी हमारा पनीर 10 मिनट के बाद सेट हो गया, सही हो गया है। बस 10 मिनट ही रखना होता है भारी पत्थर के नीचे। फिर इसे हमें क्या करना है, थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना, और इसके बाद आपको क्या करना है, हाथ से नहीं मैश करना है, इसे आपको मिक्सर में डाल देना है और 30 सेकंड के लिए मिक्सर को चला देना है। इसके अंदर आप आधा चम्मच मैदा डाल देना है, बाइंडिंग हो जाएगी। अगर आपको व्रत में खाना है तो मैदा अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं बहुत बार बिना मैदा के ही बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा बनता है। अब ये क्या करते हैं, अब ये हमारा जो पनीर है बहुत अच्छा डो बन गया और हाथ में घी तेल भी नहीं छूट रहा है। तो अब इस तरीके से हमें पेड़े काट लेने, और पेड़े काट के आपको इस तरीके से टैप कर लेने से बराबर रसमलाई निकलती है। ये दिखाई दे रहा है जो चारों तरफ ये किनारे फटे हुए हैं, इसको ठीक करने के लिए हाथों पे एक बार गोल गोल से भी घुमा लीजिएगा ना, और फिर उसके बाद प्रेस कीजिएगा तो फटेंगे नहीं। उसके बाद ये खोलते हुए पानी में डाल देंगे। 30 मिनट तो इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे फुल फ्लेम पर, और लीड को बराबर से लगा देंगे। सारा शुगर सिरप सूख गया है और हमारा रसमलाई तैयार हो गया। जिसमें हमने रसमलाई के लिए रबड़ी बनाया था उसमें हमने ट्रांसफ़र कर और हमने रबड़ी को ऊपर से दोबारा से डाल दिया, और इसके अंदर हमने रोज़ वाटर डाल दिया है, और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए केसर और बादाम, काजू, जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट्स हो वो आप डाल लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट बने, और ठाकुर जी को इसके बाद हमने कटोरी में निकाल कर भोग लगा दिया। तो इसे ना इसकी हाथ से बनाए रसमलाई और ठाकुर जी को भोग लगाएं, बहुत ही अच्छा और टेस्ट भी बना हुआ है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे मेरा धार्मिक चैनल है और मैं ठाकुर जी के लिए जो भोग बनाती है वो भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा हो, जैसे कि मेरे ठाकुर जी को भी पसंद आया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।